हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ टॉपिक पॉलीमेनोरिया के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे बात की थी अबाउट द ऑर्गेनिक कॉज ऑफ मेनोरिजिया के बारे में। व्हाट इज मेनोरिजिया? इट इज़ द साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 80 ml और द ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन 7 days। ओके, तो उसको हम बोलते हैं मेनोरिजिया। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया को हम इपीमेनोरिया भी कहते हैं, डिफाइंड एज साइक्लिंग ब्लीडिंग। ये भी साइक्लिक ब्लीडिंग है, वेयर द साइकिल इज रिड्यूस्ड टू एन आर्बिट्री लिमिट ऑफ लेस देन 21 days एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट दैट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि पॉलीमेनोरिया, पॉली मतलब बार बार होना, पॉली ये कैसी है, एक साइक्लिक ब्लीडिंग है जहाँ पर साइकिल की जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेस देन 21 days, 21 days से भी कम, मतलब कि जल्दी जल्दी से पीरियड्स आना, उसको हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। ठीक है, एक होता है इपीमेनोरेजिया। व्हाट इज इपीमेनोरेजिया? फ्रीक्वेंट साइकिल इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। मतलब कि फ्रिक्वेंट साइकिल आ रही है, जल्दी जल्दी साइकिल आ रही है और उसमें क्या एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़्यादा हो रही है और लंबे टाइम तक हो रही है। तो मेनोरेजिया के अंदर हमने 3 points देखे। पहली बात तो फ्रिक्वेंट, जो कि मेन चीज़ है। ठीक है, अगर हम पॉलीमेनोरिया की बात करें तो वहाँ पर फ्रिक्वेंट हो रहा है, लेस देन 21 days के अंदर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली, मतलब बार बार होना, जल्दी जल्दी होना। इपीमेनोरेजिया क्या है? मेनोरेजिया वर्ड आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी हो रही है, जैसे हमने मेनोरेजिया पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए लिख दूँ मेनोरेजिया, तो वॉट इज मेनोरेजिया? मेनोरेजिया में क्या था, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी और या फिर ज़्यादा टाइम तक हो रही थी। ठीक है, ड्यूरेशन ज़्यादा थी, तो इसमें वही चीज़ गई की गई है कि इपीमेनोरेजिया कब हो गया, जब फ्रिक्वेंट साइकिल हो रही है, जल्दी जल्दी साइकिल हो रही है और ब्लीडिंग ज़्यादा है या फिर लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं इपीमेनोरेजिया। नाउ नो द कॉज ऑफ पॉलीमेनोरिया, किस वजह से जल्दी जल्दी पीरियड्स हो सकते हैं। पॉलीमेनोरिया क्या है? हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरी बाय द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। जो ओवरी होती है उससे हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपर स्टिमुलेट कर दे ओवरी को, तो ये एक फैक्टर हो सकता है फॉर द पॉलीमेनोरिया, जल्दी जल्दी पीरियड्स होने का। ड्यूरिंग एडोलसेंस प्रोसीडिंग मीनोपॉज फॉलोइंग डिलीवरी एंड अवॉर्शन। ठीक है, तो या तो ड्यूरिंग एडोलसेंस हो सकता है, या फिर अगर मीनोपॉज आने वाला है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे या अवॉर्शन में, तो उस टाइम पर भी पॉलीमेनोरिया देखा जाता है पेशेंट्स में, फीमेल्स में। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो एडोलसेंस का टाइम चल रहा हो या फिर मीनोपॉज होने वाला हो, तो उस टाइम पे भी हमें पॉलीमेनोरिया केस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इज द ओवेरियन हाइपरीमिया एज इन PID और ओवेरियन एंड्रोमेट्राइसिस। सो ऐसा कब होता है, जब PID हो या फिर ओवेरियन एंड्रोमेट्राइसिस हो, उस टाइम पे हमें ये पॉलीमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। सो बेसिकली हमें समझ में आया कि पॉलीमेनोरिया क्या है, इट इज़ द साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच द साइकिल इज रिड्यूस्ड टू एन आर्बिट्री लिमिट ऑफ लेस देन 21 days, 21 days से कम हो गया है और ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है अगर और एक्सेसिव हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इपीमेनोरेजिया। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस मंथ आई विल ट्राई टू एड सो मेनी मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑब्स गायनी, सो स्टे ट्यून विद माई चैनल।